तारा कहते नींबू खाएगी। तारा हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और अभी हम तोड़ेंगे नींबू। अभी तो हम फिलहाल अपनी गायों के चारा डालेंगे। देखिए अपनी गायों के लिए चारा काट लिया है और सभी हमारी गायें इंतजार कर रही हैं। और ये देखिए मैं तारा को आवाज लगाती हूँ, तारा आवाज देगी। तारा, ए तारा, धीरे धीरे तेज से बोल बाबू। ए गंगा, ये देखिए अभी बोल रही है तारा खाने के लिए। और इसको नाम से बुलाते हैं तो हमारी तारा आवाज लगाती है। और ये पड़ी है इधर कुट्टी कटी हुई, बस हम अभी इनको डाल लेंगे ही। ये देखिए गंगा बोल रही है, हमारी गैये बोल रही हैं खाने के लिए। कैसे आवाज लगा रही हैं, अपने टाइम पे खुद ही बोलने लगती है। और ये नंदी किधर जा रहे हैं, नंदी हम ये नींबू तोड़ेंगे, मैं दिखाती हूँ आपको। ये हमारे नींबू पक चुके हैं पेड़ पर ही, ये देखिए इसलिए पक गए हैं ज्यादातर क्योंकि इस पे ततैन लगी हुई है। वो हम इसलिए नहीं तोड़ते हैं, नींबू तोड़ने से पहले हम मिल्किंग करेंगे आज। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नींबू तोड़ने, ये देखिए हमने ये ले ली है और वो खड़ा है हमारा नींबू का पेड़। अभी हम तोड़ेंगे नींबू और ये देखिए पक चुके हैं ये नींबू। क्या करेगी इनका अचार बनाएगी, हम बनाएंगे इनका उपयोग अचार। तारा कहते नींबू खाएगी। तारा खा लिया, तारा और खाएगी। मम्मी एक और दियो, तारा और खाएगी। खट्टा मुंह हो गया, खट्टा हो गया, और खाएगी। और ये देखिए फ्रेंड हमने इतने नींबू तोड़ लिए हैं और हम इनका अचार बनाएंगे। और हमने अभी ज़्यादा नहीं तोड़े हैं क्योंकि ततैन की छात लगी हुई है और जो हम तोड़े तो हमारी तरफ ही उड़ के आ रही थी। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।